सेवा जवाब। मैं देवराबन भलाबी गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन छिंदवाड़ा जिला अध्यक्ष आज आप सभी लोगों के सामने में लाइव आया हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को सेवा जवाहर करना चाहता हूं जो मुझे अभी देख रहे हैं दर्शक के रूप में, और दूसरी चीज जितने भी लोग जुड़े हुए संगठन सभी को मेरा सेवा जवाहर, वरिष्ठ नारी शक्ति युवा शक्ति सभी को सेवा जवाहर, और मेरे अंबेडकरवादी साथी जो मुझे अभी सुन रहे हैं और जो मेरे स्टूडेंट यूनियन में जुड़े हुए हैं उनको जय भीम, और मेरे उस कम्युनिस्ट साथी जो लगातार बेरोजगारों के लिए और मजदूरों के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते हैं उनको लाल सलाम, और सभी क्रांतिकारियों को जय रावण, क्रांतिकारी जय रावण। हाँ, अब मैं आपके सामने बात रखूंगा। दोस्तों देखिए, पढ़ाई और लड़ाई, ये हमारी लड़ाई हमेशा चल रही है। पढ़ाई की अगर हम बात करें, लगातार पढ़ते हुए और हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसके साथ हम लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है कि ये देवीराम भलाबी अगर आपके क्षेत्र में विधायक या प्रधानमंत्री बनता है या फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए जीत गया, या फिर मैं कहूँ कि आपके क्षेत्र के जो स्कूल है वहाँ पर मैं चपरासी की नौकरी के लिए ये देवरावन भलाबी गया है, देवरावन भलाबी चपरासी की नौकरी के लिए गया, और मैं बोलता हूँ कि आप मुझे आपके स्कूल में चपरासी की जॉब दीजिए, तो आप मेरे से पूछोगे आपका क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैं बोलूँगा मेरा क्वालिफिकेशन जीरो है, तो आप मुझे नौकरी नहीं दोगे, राइट। दूसरी चीज है, अगर यही देवीराम भलाबी आपके क्षेत्र में विधायक बन के जीत के आ जाता है या आपके स्टेट में मुख्यमंत्री बन के जीत के आ जाता है, वही देवीराम भलाबी, वही देवरावन भलाबी जिसका क्वालिफिकेशन जीरो है, तो उसको आप गला में दबाओगे नहीं, गले में माला डालोगे और पूरे क्षेत्र की आवाज दब जाएगी, सिर्फ गूंज गूंजेगी कि ये मुख्यमंत्री बन गया, ये विधायक बन गया। ये वही बंदा जिसको जीरो क्वालिफिकेशन पे चौकीदार भी नहीं बनाया गया था स्कूल में, वही बंदा आपके सामने मुख्यमंत्री बन के, प्रधानमंत्री बन के, विधायक बन के आ जाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। जीरो क्वालिफिकेशन के लोग हमारे ऊपर सत्ता चला रहे हैं। हमारे अभी देखो, आप शिक्षा मंत्री की बात करो, जिसको शिक्षा के बारे में कुछ नहीं समझता, जो अपनी डिग्री नहीं दिखा पाता, ऐसा व्यक्ति शिक्षा मंत्री बन जाता है। वित्त मंत्री, ऐसा व्यक्ति वित्त मंत्री बन जाता है जिसको फाइनेंस का कोई नॉलेज ही नहीं है। गृह मंत्री की बात करो, ऐसा व्यक्ति जिसको समाज से बाहर निकाल दिया गया है, तड़ीपार कर दिया गया, ऐसा व्यक्ति समाज क्या बन जाता है, गृह मंत्री बन जाता है। टेक्नोलॉजी और साइंस की बात करें, जिसको टेक्नोलॉजी साइंस के बारे में जीरो नॉलेज है, जो विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानता, ऐसा व्यक्ति को आप साइंस मिनिस्टर या विज्ञान का कोई मंत्री बना देते हो, जो नींबू मिर्ची टांग के मिसाइल को ऊपर पहुंचाएगा, हवन करवाएगा, उसके बाद ये होगा। तो साथियों, आप एक बात ध्यान से समझिए, अगर आप राजनीति में नहीं आओगे तो कोई मूर्ख व्यक्ति, कोई अज्ञानी, कोई अंधभक्त आप पर शासन करेगा। और दूसरी बात, जीएसयू गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन, जीएसयू जो है स्टूडेंट को सवाल पूछना सिखाती है, जवाब देना सिखाती है। हम हमेशा सवाल करते हैं अन्याय, शोषण और अत्याचार के खिलाफ। और साथियों, आप जहां पर भी हो, जहां पर भी रहते हो, मेरे को आशा है, उम्मीद है कि आप स्टूडेंट के साथ जब भी अन्याय होता हो आप सवाल पूछते होंगे। और उन सभी साथियों को मैं बोलना चाहता हूं जो इंडिजिनस है, विद्यार्थी है, और NUCI, ABBP और आदिवासी छात्र संघ और गोंडवाना महासभा छात्र संघ और STSC छात्र संघ, इन सब में जुड़े हुए हैं और अलग अलग भाग रहे हैं, आप सभी लोग अभी वक्त है, जीएसयू के साथ जुड़ जाइए। पैर खींचने से कुछ नहीं होगा, अभी वक्त है, हाथ खींच लीजिए, हाथ हमारा खींचे, क्योंकि कहते हैं कि हाथ खींचोगे तो ऊपर जाएंगे, पैर खींचोगे तो नीचे आएंगे। आपको मैं एक मौका देना चाहता हूं, या फिर आपको हतल्ला करना चाहता हूं कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ने अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है, अगर आप इस रफ्तार में दौड़ सको तो दौड़ो, नहीं तो आप बहुत पीछे छूट जाओगे, याद रखिएगा मेरी बात को साथियों। और दूसरी चीज है, मैं उन सभी विरोधियों को ये बताना चाहता हूँ जो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का लगातार अब विरोध करते हैं, चाहे समाज के हो चाहे गैर समाज के हो, तुम विरोध करते रहो, क्योंकि हमारे साथ हमारी गाइडलाइन में जीएससी जो है बिना गाइडलाइन के काम नहीं करती, बिना रणनीति के काम नहीं करती। हमारे जो सीनियर्स है, जो जीएसयू के राष्ट्रीय कमेटी के जो लोग हैं, सब लोग बुद्धिमान हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब बिल्कुल सोच समझ के कोई भी फैसला लेते हैं। और हाँ, हम गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के हैं, और सोशल मीडिया पे जैसे कि आपने देखा कल से हम लगातार छाए हुए हैं, क्यों? क्योंकि जिसका राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी कमलेश गौंड जैसा हो वो कैसे शांत बैठ सकता है साथियों। अब दूसरी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, पढ़ाई को लेकर कुछ लोग ज्ञान देते हैं कि ये स्टेज में जाके बकबक करने लगते हैं, कुछ भी बकने लगते हैं, ये संस्कृति की बात करते हैं, भूमिका बन जाते हैं। और सुनो, पढ़ाई का मतलब तुम्हारे हिसाब से सिर्फ उतना हो सकता है, जो जीएसयू के विरोधी उनसे कहना चाहूंगा, पढ़ाई का मतलब आपके हिसाब से पुस्तक में छपा वही ज्ञान हो सकता है, पढ़ाई का मतलब स्कूल में पढ़ा वही ज्ञान हो सकता है, पढ़ाई का मतलब यूनिवर्सिटी में आप जो पढ़ते हो आपके लिए वही ज्ञान हो सकता है, लेकिन हमारे लिए पढ़ाई का मतलब हमारी संस्कृति के बारे में समझना हमारे लिए पढ़ाई है, हमारे समाज की गहराई से गहराई जो कमी है उसको निकालना हमारे लिए पढ़ाई है। हम पढ़ाई, हर चीज जिससे हम सीखते हैं उसको हम अपनी पढ़ाई के नजरिए से देखते हैं,
इसीलिए ऐसे उल्टे सीधे कमेंट करना बंद करो। और दूसरी चीज़ है, हम अक्सर का नारा लगाते हैं पढ़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? उस इतिहास को पढ़ेंगे जिसको छुपाया गया है, उस इतिहास को पढ़ेंगे, उस इंडिजिनस इतिहास को पढ़ेंगे, उस गोंडवाना संस्कृति को पढ़ेंगे जो विश्व संस्कृति की जननी है, जिसको लोग छुपा रहे हैं। अभी हमने वी वांट गोंडवाना लैंड की जो मांग किया था ट्विटर में, कुछ लोग यूट्यूब में ये बोल रहे थे, अभी तक क्या सोए थे? अरे भैया, गोंडवाना स्टेट की मांग बहुत पहले से करते आ रहा है। हम स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के साथ साथ हम हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो समाज है, हम उसको भी महत्व देते हैं, क्योंकि यार हमारे लिए वो एजुकेशन है, बहुत बड़ा एजुकेशन है। और हमारे साथ हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। जो लोग कहते हैं कि सिर्फ गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन सिर्फ एक वर्ग का संगठन है, आपने देख लिया कि कितने कितने स्टेट से कितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं और अपनी बात उन्होंने रखा है। हम पढ़ेंगे अपनी अपना इतिहास के बारे में, उस इतिहास के बारे में जो पुस्तकी पाठ्यक्रम में नहीं दिया है। स्कूली पाठ्यक्रम में आप जाके देख लो, पूरा उल्टा सीधा क्या क्या भरा हुआ, अंधविश्वास भरी हुई चीज़ें हैं। आप खोल के देखिएगा, संस्कृत की पुस्तक खोल के देखिएगा, संस्कृत की पुस्तक में कुछ बताता है पृथ्वी का निर्माण कैसा हुआ, क्या है क्रमिक विकास, डार्विन का सिद्धांत क्या, और उसी की जगह आप संस्कृत में जाओगे ब्रह्म विष्णु महेश निकल के जाता है, किसी ने पृथ्वी का निर्माण क्या बनाया। आप सोच के देखिए, हमारी जो स्टडी है, जो एजुकेशन है, स्कूली पाठ्यक्रम है, उसमें बहुत बदलाव, और इसी के कारण आज के समय में पढ़े लिखे व्यक्ति भी अंधभक्त निकल जाते हैं, अज्ञानी निकल जाते हैं। कारण क्या है? स्कूली पाठ्यक्रम को सुधारना पड़ेगा। एक ब्लैंक पे जीरो से लेकर जो बंदा ऊपर जाता है, उस जड़ को हमको सुधारना पड़ेगा। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन वही कर रही है। हम पूरी शिक्षा व्यवस्था, जो शिक्षा पाठ्यक्रम है, उसको बदलेंगे। बदलेंगे कैसे, क्या बदलाव करेंगे, उसमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरा एजुकेशन का निरीक्षण होना चाहिए। और साथ में पूरी पढ़ाई की जो दोहरी शिक्षाकरण की नीति है, उस दोहरी शिक्षाकरण की नीति को हम दूर करेंगे, और हम एक ऐसा एजुकेशन लागू करना चाहते हैं, ऐसी पढ़ाई लागू करना चाहते हैं जो वास्तविक हो, जो हमको ये अंधविश्वास भरी चीज़ों में ना डोबे। संविधान का आर्टिकल 56 का ये हमेशा ये कहता है कि अंधविश्वास के खिलाफ आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन कोई बोलता नहीं है, लेकिन हम स्टूडेंट्स हम बोलेंगे। दूसरी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि इंडिजिनस कल्चर से आप प्रकृति का संतुलन बना सकते हैं। और कुछ लोग हमारी संस्कृति की अगर हम बात करते हैं, तो हमको लोग कहते हैं कि तुम जातिवाद फैला रहे हो, ये कर रहे हो। तो एक चीज़ याद रखो, UNO एक तरफ कह रहा है कि आप इंडिजिनस जो कल्चर है उससे प्रकृति का संतुलन बना सकते हो। अब जब उससे प्रकृति का संतुलन बना सकते हो, उसको पढ़ना पड़ेगा ना। और जब उसको पढ़ते हैं, उसको फेसबुक में डालते हैं, तो आप कहते हो कि उसमें जातिवाद फैल रहा है, ये गलत है। आप समझो उस चीज़ को, इंडिजिनस कल्चर ही प्रकृति का संतुलन बनाएगा, नहीं तो फिर अभी ये कोरोना वायरस आया, इससे बड़ा कोई वायरस आ जाएगा तो सबको लेके एक साथ चला जाएगा। इसलिए वक्त है, संभल जाओ। मैं देवरावन भला भी आपसे विनती करता हूँ और उन सभी दर्शकों को कहता हूँ कि वीडियो शेयर करते रहें, JSU का पेज लाइक करते रहें, अपने जितने भी लोग हैं सब लोगों को इस पेज से जोड़ते रहें, उनको बोलो लाइक करो, फॉलो करो। और दूसरी चीज़ है, छिंदवाड़ा के बब्बर शेर हम बोलेंगे, या छिंदवाड़ा गोंडवाना का जो मूवमेंट तेज़ी से चलाने वाले डॉक्टर मनमोहन साहब बट्टी जी को हम जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आज उनका जन्मदिन है। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की ओर से मनमोहन साहब बट्टी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ में शायद टाइम काफ़ी हो चुका है, इसलिए मैं अपना वक्तव्य को विराम दूंगा। इसलिए मैं कहूँगा, हमें JSU, हमें इंडिजिनस, हमें इंडिया। सेवा जवाहर देवरावन भला।